अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शब्बीर और आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद शब्बीर 1.0 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको 3-2-1 प्लेयर को अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करना सिखाएंगे और इस 3-2-1 प्लेयर को आप के लाइट कोडेक पैक के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी वीडियो को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आपने यूट्यूब को ओपन किया, उसमें आपको कोई भी नात अच्छी लगी या आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगा या आपको कोई मूवी अच्छी लगी, उसको आपने कर लिया अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड। आपने डाउनलोड कर लिया, जब आप उस वीडियो को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ आपकी नहीं चल रही, तो उस चीज़ को चलाने के लिए, उस वीडियो को प्ले करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा 3-2-1 प्ले। मुकम्मल डिटेल से आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी वीडियो को चलाना है। पहले मैं एक वीडियो को चलाऊंगा, वो वीडियो नहीं चलेगी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस 3-2-1 प्लेयर को अपने लैपटॉप या अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे और आपको तरीका बताऊंगा कि आपने उस वीडियो को कैसे इस सॉफ्टवेयर में चलाना है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो मैं स्क्रीन पे एक थंबनेल दे रहा हूं, आपने इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और इसको मैं वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी रख दूंगा। इसमें ये 3-2-1 प्लेयर भी आपको मिल जाएगा, इसके अलावा आपको और बहुत से सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो कि आपके काम आ सकेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सीखते हैं 3-2-1 प्लेयर को इंस्टॉल करना। जी, तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इंस्टॉल करते हैं के लाइट 3-2-1 प्लेयर को। लेकिन उससे पहले कुछ है इंस्ट्रक्शंस, उनको हम देख लेते हैं। एक फाइल है इंस्ट्रक्शंस की, उसको हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने से पहले WinRAR या WinRAR के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा और साथ ही के लाइट 3-2-1 प्लेयर को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपका प्रोग्राम आसानी से इंस्टॉल हो सके। जो के लाइट है, 3-2-1 प्लेयर है, उसको तो हमने सीखना है। उससे पहले हम इंस्टॉल करेंगे WinRAR के सॉफ्टवेयर को। अब ये मैंने इसमें दो रखे हुए हैं, एक है 32 बिट में और एक है 64 बिट में। जो आपकी विंडो है आप उसके मुताबिक इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल क्यों करेंगे ये थोड़ा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो मैं करूँगा 64 बिट में क्योंकि मेरे सिस्टम में 64 बिट में विंडो है। उसका मैं आपको एविडेंस, आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं ये कंप्यूटर के आइकन पे करता हूँ राइट क्लिक, सबसे नीचे मैं लेता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज। एक विंडो ओपन होकर मेरे सामने आएगी और बकायदा इसमें लिखा होगा, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सिस्टम टाइप और उसके आगे लिखा हुआ सिस्टम टाइप के आगे क्या लिखा हुआ है कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक विंडो होती है 32 बिट में और एक विंडो होती है 64 बिट में। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी विंडो कौन सी है। अगर आपकी विंडो 32 बिट में है तो आप वो इंस्टॉल करेंगे, अगर आपकी विंडो है 64 बिट में तो आप वो इंस्टॉल करेंगे। मेरी जो विंडो है वो है 64 बिट में, तो मैं 64 बिट वाले को इंस्टॉल करूंगा। मैं यहाँ पे करूंगा डबल क्लिक, अगेन डबल क्लिक, उसके बाद फिर डबल क्लिक, उसके बाद मैं इसको करूंगा यस या नो। मैं भी हो सकता है कि ये बॉक्स आपको नजर ना आए, लेकिन जब आप इसको खुद से इंस्टॉल करेंगे तब आपको ये बॉक्स लाजमी नजर आएगा। मैं इसको यस कर लेता हूँ। नीचे से मैं करूंगा इंस्टॉल, फिर मैं करूंगा ओके और उसके बाद मैं इसको करूंगा डन। लें जी, मेरा WinRAR का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं टॉप और लेफ्ट साइड से आऊंगा बैक, बैक अगेन बैक आऊंगा, उसके बाद मैंने इंस्टॉल करना है के लाइट 3-2-1 प्लेयर को। तो ये देखें के लाइट 3-2-1 प्लेयर का ये मेरा है सॉफ्टवेयर। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी आपकी वीडियो है उसको चलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले इसका मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ, इसका आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ कैसे दिखाऊंगा, देखें जैसे कि ये मेरे पास एक वीडियो है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडोब रीडर। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरी वीडियो ओपन नहीं हो रही, वो मेरी वीडियो प्ले नहीं हो रही, मेरी वीडियो नहीं चल रही, कुछ और ही चल के मेरे सामने
आ रहा है। जैसे कि मैं एक मिसाल आ जाता हूँ, कंप्यूटर में आता हूँ, लोकल डिस्क डी में आता हूँ, इसमें कुछ मुझे मिलेंगे कार्टून्स मिलेंगे। देखिए कार्टून्स की वीडियोज़ हैं, कार्टून्स की शेप्स तो आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब मैं इनको चलाने की कोशिश करूँगा तब ये वीडियो मेरी नहीं चलेगी। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा के लाइट 3:1 प्लेयर का सॉफ्टवेयर, जो कि किसी भी वीडियो को चलाने में मेरी मदद करेगा, मेरी हेल्प करेगा। अब आते हैं हम दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। मैंने ये करना कि मैंने ये के लाइट पे मैंने करना है, राइट क्लिक करना है, एक लिस्ट आपके सामने आएगी, इस लिस्ट में से आपने एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका एक सब फोल्डर आपके इसी स्क्रीन में बन के आ जाएगा। ये देखें एक सब फोल्डर इसका बन के आ चुका है। यहाँ पे आपने करना है डबल क्लिक, डबल क्लिक करना है, अगेन आपने डबल क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपने इसको करना है यस करना है। यस करने के बाद अब आपको मिलेंगे यहाँ पे दो मूड, एक मिलेगा नॉर्मल और एक मिलेगा आपको एडवांस। आपने एडवांस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको नीचे से करेंगे आप नेक्स्ट, उसके बाद अगेन आप इसको करेंगे नेक्स्ट, फिर इसको आप करेंगे नेक्स्ट, फिर करेंगे इसको आप नेक्स्ट, फिर करेंगे इसको नेक्स्ट, उसके बाद फिर उसके बाद इसका आपने बनाना है एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया प्लेयर क्लासिक शॉर्टकट। ये देखें जहाँ पे मैं अपने माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, हरकत दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने इसको कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका एक शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पे बन के आ जाएगा। नीचे से इसको करेंगे हम नेक्स्ट करेंगे, अगेन इसको करेंगे नेक्स्ट, दोबारा फिर इसको करेंगे नेक्स्ट, फिर इसको करेंगे नेक्स्ट, फिर इसको करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आपने दो चीज़ों को सिलेक्ट करना है। ये नीचे देखें, एक आपका है ऑल वीडियो, एक आपका है ऑल ऑडियो। जो ऑल वीडियो है वो पहले से आपका सिलेक्ट है। ये देखें जहाँ मैं अपने माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, आपने ऑल ऑडियो में कुछ बॉक्सेस आपके सिलेक्ट हैं, कुछ सिलेक्ट नहीं है, तो आप ऑल ऑडियो पे क्लिक करेंगे। ये देखें इस तरफ जहाँ मैं अपने माउस पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ, सारे ऑडियो के ऑप्शन सिलेक्ट हो चुके हैं। इसको अपने नीचे से करना है नेक्स्ट, उसके बाद इसका जो आपने रखना है साउंड, यहाँ पे ये साउंड की क्वालिटीज होती है, इसको आपने रखना है 2.1। क्या रखेंगे आप 2.1। रखने के बाद नीचे से इसको करेंगे आप नेक्स्ट, उसके बाद फिर इसको करेंगे नेक्स्ट, फिर करेंगे इसको आप इंस्टॉल। इंस्टॉल करेंगे, अब इसकी जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद ये इंस्टॉल होके आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, मतलब कि इसका एक शॉर्टकट आइकन आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर आप किसी भी वीडियो को बआसानी चला सकते हैं। अब बस ठीक है, लास्ट प्रोसेस है इसका, अभी से हमें ये फिनिश का ही बोलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद इसको हम करते हैं बंद करते हैं। बंद करने के बाद अब देखें ये जो आपकी वीडियो है, इस वीडियो पे मैं डबल क्लिक करूंगा, जिसको मैं पहले चलाने की कोशिश कर रहा था, मैं डबल क्लिक करता हूँ। आप खुद देखें वो वीडियो मेरी चल के एकदम मेरे सामने आ चुकी है। इसमें देखें जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा जैसे मैं कार्टून की बात कर रहा था, अगर मैं वो कार्टून चला के आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि मैं कंप्यूटर में आ जाता हूँ, उसके बाद मैंने लोकल डिस्क डी में आ गया और मैं कार्टून में आ गया, किसी भी कार्टून पे मैं डबल क्लिक करूंगा, देखें वो कार्टून मेरा चलने लग जाएगा। देखो कार्टून मेरा चल रहा है। इसलिए हम करते हैं के लाइट सॉफ्टवेयर के, यानी कि के लाइट के सॉफ्टवेयर को, कि आप इसमें किसी भी वीडियो को चला सकें। और इसमें एक चीज़ और है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जब आप अपनी वीडियो को चलाते हैं तो उसकी स्क्रीन होती है बहुत छोटी, स्क्रीन को आपने बड़ा कैसे करना है। इसमें कोई भी वीडियो इसमें ले लेता हूँ, जैसे कि मैं एक मिनट ठहरे, कोई भी ऐसी वीडियो लेते हैं कि जिसमें आपकी स्क्रीन हो छोटी, और उसके बाद आप उसकी स्क्रीन को कर सकते हैं बड़ी कर सकते हैं। कोई भी मूवीज हम कर लेते हैं, अब इसकी स्क्रीन पहले से इसकी बड़ी है तो मैं पहले इसकी स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं। तो जब छोटा करूंगा तो उसके बाद यानी कि आप इसकी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। देखें जैसे कि ये हाफ है, इससे वैसे थोड़ी सी बड़ी हमारी स्क्रीन होती है। तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसमें आपको मिलेगा वीडियो फ्रेम का ऑप्शन, आपको इसमें मिलेगा। ये देखें वीडियो फ्रेम का ऑप्शन है, इसमें से आपने ये करना है, ये देखें टच विंडो फ्रॉम इनसाइड। ये देखें इनसाइड करेंगे
तो ये होगा कि इसकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आप किसी भी वीडियो को ऐसे स्क्रीन बड़ी करके देख सकते हैं। और ये जो विन आर का हमने सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, उसका फायदा ये होता है कि कभी भी आपके आपका जो ये सेटअप है, की लाइट का सेटअप है, इन पेज का है, कोरल ड्रा का है, फोटोशॉप का है, कभी भी उसका सेटअप खराब नहीं होगा। यानी कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको, यानी कि आपने उसके सेटअप को कॉपी करके रखा हुआ है अपने सिस्टम में, आप क्या करेंगे अपने सिस्टम में सबसे पहले यानी कि WinRAR के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और उस फोल्डर को ड्रैग करवा के रख दें उस फोल्डर में। किस फोल्डर में? WinRAR के फोल्डर में। तो कभी भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। जिस चीज को आपने बाहर निकालना हो आपने उस पर करना है राइट क्लिक करना है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हेयर। जब एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो उसका एक सब फोल्डर बाहर निकल के आ जाएगा और उसके जरिए आप उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अपनी इस ज़िंदगी के साथ साथ अपनी उस ज़िंदगी का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अपनी नमाजों को वक्त पे अदा कीजिएगा और कुरान पाक को तर्जमा के साथ पढ़िएगा। सांसों ने साथ दिया तो एक नई वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।